18-25% लड़कना बरगलानो बंगन होवे काम कराना और बंगे खिलाफ मुकदमा करा मुकदमा होगा 2016 को जीवन अंधकार में एड़ो आज सुबह की हुआ कि एक गांव में कि मन को नहीं रहा वोटा की जरूरत जैसे दीजो जैसे मत दीजो मैं घर घर नहीं जाऊंगा मैं चाहे हारूं चाहे जीतू मेरे को क्या फर्क पड़ता है जबकि उन्होंने तो फिर बजा रहे जीते जाने बैठ जा घर के जनता अपने विवेक से जिसको वोट दे हम स्वीकार कर ले भाई शिवे विवेक फैसलो कर दे जनता अपने आप क्यों मांग तो फिर वोट प्रजातंत्र में जनता माई बाप और गावनो पड़ी चाहे कितो भी ताकतवर आदमी है जो कोई राजनीति में चुनाव लड़े हरिजन भाई के घर जाना पड़ी मेरवाल भाई के घर जाना पड़ी आप तो घना ऊंचा हो सब 36 कौम का भाई तक जाना पड़ी जरा जोड़ी भरी थी एक छांडू फिरेंडू लाग जाए पते को लग मैं आपने वही निवेदन करूं कि वो आदमी ठीक है वो कहीं है कि पया हुआ था पेड़ो है ना सही बात तो तुम 2000 करोड़ रुपया मार चुके हो अब अगर बात कर दो 28 तारीख का नामांकन 27 का निवेदन किया आपने यूपी जानो पड़ी आपने राजस्थान में 24 सीटा मार प्रचार करने जानो पड़ी कार्यकर्ता चुनाव संभालना पड़ी पूछो कि यूपी छोड़ कोई राजस्थान की दूसरी सीट मात गियो कहीं हटे हवा खातो फिर है मतलब इन्हें ऐसा सुखो कि जनता अब समझ चुकी है और जनता जनता मैं काम करूं मन भी समझ चुकी है और जनता मैं क्यों की करूं की भी बात भी समझ चुकी है ज्यादा दिन दूर कौन जाए कप्तान साहब एक बार दो बार दस 20 साल चले गए 20 सालों में घड़ो ही मरीज दिया बच्चे मैंने 25 तो होगा वो